पाकिस्तान में संसद भंग पर सुनवाई पूरी, थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। बाकी जस्टिस ने कहा डिप्टी स्पीकर का फैसला नियम के खिलाफ, स्पीकर ने आर्टिकल 95 का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट परिसर में तैनात किए गए सुरक्षा कमांडो, भारी सुरक्षा के बीच आएगा फैसला। चुनाव को लेकर पाकिस्तान चुनाव आयोग का बयान, अक्टूबर 2022 से पहले चुनाव संभव नहीं, ईसी को निष्पक्ष चुनाव के लिए 7 महीने चाहिए। टाइम्स ने भारत पर मुर्तजा का कबूलनामा, कहा मुस्लिमों के साथ गलत बर्ताव हो रहा है, सीए एनआरसी को लेकर भी नाराजगी जाहिर। मुर्तजा के कबूलनामे पर मोहसिन रजा ने कहा कि ऐसे हमलों को लेकर सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट पर, मुर्तजा का आईसिस से कनेक्शन बहुत गंभीर है। मुर्तजा की कॉल डिटेल के आधार पर सहारनपुर से अब्दुल रहमान को हिरासत में लिया गया, हमले के दिन मुर्तजा और अब्दुल के बीच बातचीत भी हुई। वीडियो जारी कर आईसिस का बड़ा दावा, भारत में 4 स्लीपर सेलेक्टिव है, वीडियो में आतंकी को भारत का बताया गया, वीडियो में आतंकी के हाथ में धारदार हथियार। बड़ी सी सभा, विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने अवैध निर्माण गिराया। अमेठी में चला बाबा का बुलडोजर, वन विभाग की जमीन पर बने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को प्रशासन ने गिराया। अंबेडकर नगर में बुलडोजर चलने की डर से सभी 5 आरोपियों ने थाने में किया सरेंडर, सामूहिक दुराचार का मामला। कौशाम्बी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन एनकाउंटर जारी, रेप और हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। उत्तर प्रदेश के बरेली में मुस्लिम शख्स की पिटाई हुई, पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करने पर दबंगों ने पीटा, पुलिस ने दर्ज किया मामला। करौली मामले पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राजेंद्र राठौर ने कहा कि हमने जांच रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दी है। करौली हिंसा का नया वीडियो सामने आया, दंगे के दौरान फोन पर बात करता दिखा मतलूब अहमद। राजस्थान के करौली में हुई हिंसा का एक और नया वीडियो सामने आया था, वीडियो में दंगाई पुलिस के सामने तोड़फोड़ करते नजर आए। करौली हिंसा के 6 दिन बाद भी मुख्य आरोपी फरार रहा, आरोपी मतलूब के घर से लाठी डंडे और पत्थर बरामद। एनआईए जम्मू कश्मीर के 11 इलाकों में छापेमारी की, पंपौर के एक होटल समेत श्रीनगर में 6 जगहों पर एनआईए का छापा। कर्नाटक में लाउडस्पीकर से अजान की लिमिट तय की गई, 250 मस्जिदों को नोटिस दिया गया, मौलानाओं ने फैसले का समर्थन किया। मौलाना साजिद रशीदी ने बीजेपी पर लगाया कट्टरता फैलाने का आरोप, का ऐसा करने से 1947 फिर बनेगा, एक जिन्ना पैदा होगा। लाउडस्पीकर मामले में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद का बयान, बोले मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। बिहार में भी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग, बीजेपी नेता जनक राम ने कहा लाउडस्पीकर पर रोक लगनी चाहिए। रूस के खिलाफ एकजुट G7 देश बयान जारी कर कहा रूस को UNHRC से बाहर निकालने का वक्त आ चुका है। काला सागर से कीव पर कैलिबर क्रूज मिसाइल बरसा रही है रूसी नौसेना, वीडियो देखकर सहमी दुनिया। रूस का यूक्रेनी सेना पर क्रूज मिसाइल अटैक, हमले में यूक्रेन का सैन्य ढांचा ध्वस्त हुआ। यूक्रेन का रूस के टैंकों पर जेवलिन मिसाइल से हमला सामने आया वीडियो। रूस की BTR-82A तोप ने मारियोपोल में भारत पर फायरिंग की, सामने आया फायरिंग का वीडियो। अमेरिका ने पुतिन की बेटियों पर बैन लगाया, रूस के 2 बैंकों पर भी प्रतिबंध लगाया गया। श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, संसद के पास एकजुट हुए प्रदर्शनकारी। बजट सत्र स्थगित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने की बैठक, सोनिया समेत विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की। 1920 अप्रैल को गुजरात दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, महिला ट्राइबल और आयुष इन्वेस्टमेंट सम्मेलन को संबोधित करेंगे। गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल और वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई, वर्ल्ड बैंक अहमदाबाद को 3,000 करोड़ का लोन देगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, हर की पौड़ी में शाम की गंगा आरती में शामिल हुए। टास्क फोर्स प्रशासन और बाजार प्रमुखों के साथ ममता बनर्जी की बैठक, बढ़ती कीमतों पर चर्चा हुई। पंजाब के डीजी प्रमोद बान को सौंपी गई एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की कमान, पंजाब सरकार ने आदेश जारी किए। पंजाब सीएम भगवंत मान का सभी कमिश्नर SSP को पत्र, कहा राज्य में कानून व्यवस्था की बहाली प्राथमिकता है, गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चंडीगढ़ में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में आपस में भिड़े कांग्रेसी, सिद्धू बोले पंजाब कांग्रेस में ही कुछ बेईमान नेता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला से ईडी की पूछताछ, जम्मू कश्मीर बैंक घोटाले में फंड की हेराफेरी का मामला। बैंक नवाज की खबर का असर, बाराज के पाड़ेर में एनसीबी नेता पर FIR दर्ज की गई, सरकारी अफसर की पिटाई का आरोप है। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी सरकार के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, सूत्रों के मुताबिक खबर। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट, ठेके पर सैनिक, बस यही देखना बाकी था, शेष कार्यकाल में सरकार भी ठेके पर देगी। एमरेस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख आकार पटेल को राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI को लुकआउट नोटिस वापस लेने के लिए कहा। आंध्र प्रदेश में रमजान पर मुस्लिम कर्मचारियों को छूट, सरकारी दफ्तरों में 1 घंटे पहले छुट्टी की अनुमति। मीट बैन के मुद्दे पर दिल्ली नगर निगम को नोटिस, अल्पसंख्यक आयोग ने जवाब मांगा। कश्मीर में आतंकियों ने फिर बाहरी मजदूरों को निशाना बनाया, पुलवामा में एक ड्राइवर को मारी गोली। फरीदकोट में दिन दहाड़े गैंगवार, 3 बाइक सवार लोगों ने एक स्कॉर्पियो पर फायरिंग की।
दौसा के सरकारी स्कूल में फूड पॉइजनिंग से स्कूल के 22 बच्चे बीमार हुए, बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल घोषित होगा यूपीटीटी 2021 का रिजल्ट, इससे पहले आज वेबसाइट पर आंसर की अपलोड की गई। गुवाहाटी में सैकड़ों जोमेटो डिलीवर्स पार्टनर्स का विरोध प्रदर्शन, डिलीवरी रोकी, वेतन बढ़ाने की मांग। आईपीएल के मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीता, दिल्ली कैपिटल्स की पहले बल्लेबाजी।